सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप मिश्रा आपका SM क्लासेस पांडेपुर वाराणसी में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने विटामिन और उसके खोजकर्ता के बारे में जाना था। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग विटामिन और उसके रासायनिक नाम के बारे में जानेंगे। मैंने उसके लिए जो ट्रिक बनाया है, अरे बात सही है डी के, ईटा काफी है। इसमें सभी विटामिन ए से लेकर के तक के बारे में ट्रिक बना हुआ है। अरे, अरे में जो अ है विटामिन ए के लिए, और जो रे है उसके रासायनिक नाम रेटिनॉल के लिए है। बात, बात का जो ब है विटामिन बी के लिए, और त थायमिन के लिए। सही, सही का जो स है विटामिन सी, और ई उसके रासायनिक अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल के लिए। डी के, डी के का डी जो है विटामिन डी के लिए। के जो है उसके रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल के लिए। ईटा, ईटा का जो ई है विटामिन ई के लिए, और जो टा है टोकोफेरॉल के लिए। विटामिन के लिए काफी, काफी का मतलब विटामिन के, और फी, फी जो है उसके रासायनिक नाम फीली क्यूनोन के लिए है। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि आजकल, आजकल के जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें बी, जिसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, उसके रासायनिक नाम है क्रेज में है। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। थोड़ा सा टिपिकल है, बट ट्रिक तो ट्रिक, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसके ट्रिक को आइए हम लोग देखते हैं। विटामिन बी वन, थोरा, थोरा का जो थो है थायमिन के लिए, और रा जो है विटामिन बी टू के लिए है, जिसका रासायनिक नाम है रेबोफ्लोविन। न्यू विटामिन बी थ्री के लिए है, जिस न्यू से जो रासायनिक नाम बन रहा है वो है नियासिन। विटामिन बी फाइव के लिए ट्रिक है पैंट, पैंट का जो पैंट से जो रासायनिक नाम बन रहा है वो है पैंटोथेनिक। पर विटामिन बी सिक्स के लिए है, जिसका रासायनिक नाम है पायरीडॉक्सिन। ब विटामिन बी सेवन के लिए है, जिसका नाम है रासायनिक बायोटिन। और सा विटामिन ट्वेल्व के लिए है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग विटामिन से होने वाले रोग और उसके ट्रिक के बारे में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।